प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को 2023 को लॉन्च किया था और जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 23 ऐसे ज़िले जहां पर बहुत ही ऐसे आदिवासी बैगा भारिया और सहरिया जो बहुत ही अभी विकास से अछूते हैं, पीछे हैं, जिसको कि PVTG कहते हैं, अति गरीब वंचित आदिवासी क्षेत्र, वो 23 जिलों का चयन मध्य प्रदेश में किया गया और आज कैबिनेट में भारत सरकार के स्वीकृति के उपरांत प्रस्ताव लाए गए जिसमें नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है। ऐसे मजरे टोले जिनकी जनसंख्या 100 या अधिक है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहां नया केंद्र खोला जाएगा। अगले 3 वर्षों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आवश्यक जो स्वीकृति है मंत्रिमंडल ने दे दी है, अजट राज्य का जो अंश होगा उसके लिए अलग बजट लाइन खोलने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर कुल 15.70 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जिसमें 60% केंद्र का होगा और 40% राज्य का होगा और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में जो लगभग 12 लाख में बनेगा वो पूरी की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी।